तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा था कि एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए एलिवेटर ड्रॉप ए कॉइन। चलो एक पर्सन है, वो एक फ्लोर ऑफ एलिवेटर पे खड़ा है और एक कॉइन को गिरा देता है। दिस इज द पर्सन और इसके हाथ में एक कॉइन है, ठीक है ना। और ये जो कॉइन है गिराएगा और दो लिफ्ट है। द कॉइन इज द फ्लोर इन टाइम टी वन इफ एलिवेटर इज स्टेशनरी। अगर एलिवेटर की वेलोसिटी जीरो है केस फर्स्ट में, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो चलो मान लो ये जो कॉइन है इसके हाथ में कुछ यहाँ से यच हाइट पर है और यच हाइट पे है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखता हूँ, केस फर्स्ट में, तो एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा कॉइन को नीचे आने में। एच माइनस एच इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ एक्सलेशन जी टाइम टी वन का स्क्वायर। तो टी वन की वैल्यू जो है वो टू एच बाई जी अंडर रूट लगा पहले केस में, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या हुआ, वही पर्सन वही है लेकिन लिफ्ट जो है वो मोशन में है यार। तो अगर लिफ्ट मोशन में है तो ये जो पर्सन है उसके हाथ में अभी भी वही कॉइन है, पर्सन वही है और उसके हाथ में अभी भी वही कॉइन है यहाँ पे। और बाकी है लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अब लिफ्ट किधर भी जा सकती है किसी भी डायरेक्शन में। चलो मैं नीचे मान लेता हूँ भी वेलोसिटी से जा रही है, एक्सलेशन इसका जीरो है, मतलब ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। और ये भी जो है इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि इन दोनों फ्रेम का एक्सलेशन जो है वो जीरो है बच्चों। तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है और ये भी इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम है, ठीक ना। तो इन दोनों का एक्सलेशन जीरो है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो देखो, अगर तुम बाहर से देखो चाहे सूडो चाहे अंदर से देखो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट में ही है, ये अपना ऑब्जर्वर है जो यहाँ बैठा है और ये सारा इस कॉइन को देख रहा है, तो अभी भी इसके लिए जो हाइट है वो एच होगा और कॉइन ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ये जो केस टू है, केस टू में जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको उस पर ऊपर कोई सूडो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे केस टू में तो अभी भी ये जो हाइट लगाएगा तो माइनस एच इनिशियल वेलोसिटी जीरो और हाफ जी टी स्क्वायर टी टू स्क्वायर। तो टी टू की वैल्यू अभी भी टू एच बाई जी अंडर रूट आएगा, ठीक ना। क्योंकि जब ये देखेगा तो ये कहेगा कि अगर पॉइंट टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पे था तो इसको दिखाई देगा यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो लिखेगा एस इक्वल टू यू टी। तो ये तो यहाँ से आ गया टी वन बराबर है टी टू, ठीक ना। तो अगर टी वन बराबर है टी टू तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। थैंक यू।